पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के नायब सरबरा एंड्रयू शोफर ने कराची का दौरा किया। एंड्रयू शोफर ने कहा कि दौरे के दौरान बाहमी तजारत, सरमायाकारी और तरक्की के फरोग के लिए नए मौके तलाश करने के साथ साथ अवामी सतह पर ताल्लुकात को ज्यादा मौसर और बामकसद बनाने का मौका मिला। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के नायब सरबरा एंड्रयू शोफर ने दौरे कराची के दौरान दूसरे ग्रीन शिपिंग गोल मेज इजलास में बतौर मेजबान शिरकत की। ग्रीन शिपिंग गोल मेज मुबाहिसे का अहतमाम अमरीकी एजेंसी बराए बैन अल-अक़वामी तरक्की की जानिब से किया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने माहौल दोस्त फायदा जहाज आने को फरोग देने पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुश्तरका चैलेंजेस, खसूसी तौर पर मौसमियाती तब्दीली से वाबस्ता मसाइल से निमटने के लिए बामाने रवाबित और मुज़ाकरात पर जोर दिया। इजलास में COP28 में ग्रीन शिपिंग चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वज़ाकरदा तरीकेकार की तायद भी की गई। एंड्रयू शोफर ने जहाजदानी से मुतालिक पायदार सरगर्मियों की तमाम शुबजात में मुंतकली के लिए तआवुन करने पर शुरका की काविशों को सराहा। एंड्रयू शोफर ने दौरे के दौरान मजहबी अकलियती रहनुमाओं से भी मुलाकात की।